अभी से मैं तुमको वादा करता हूँ, साला जो हो जाए तुम्हारा एक मिनट भी समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक बात बोलूंगा और साफ तरीके से बोलूंगा, ब्लॉक कर दो यार। किसे ब्लॉक करोगे? उन सबको ब्लॉक कर दो जो तुम्हें बस ठगने के मकसद से आते हैं, जो तुम्हारा मजे लेने आते हैं, जो तुम्हारे पीठ पीछे साजिश रचते हैं, जो तुम्हें धोखे में रखते हैं, हर वक्त दिमाग खराब करते हैं और इससे तुम्हारा हर दिन का ढेर सारा समय खराब होता है। बस बहुत हो गया, उन सबको ब्लॉक कर दो, अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। इन सब के अलावा दूसरी चीज वो है, खो जाओ इस दुनिया के माहौल से, गंदे वातावरण से, तानों और बहानों से, गालियों और खतरनाक गालियों से, उन सब से दूर हो जाओ। उन सब से अपना मतलब खत्म कर लो, उनको नजर आना बंद हो जाओ, उनको दिखना बंद हो जाओ, चुभना बंद हो जाओ। शुरुआत करो अपने सफर की तैयारी करो। जब तुम अकेले घर से बंद होकर पढ़ाई की लड़ाई लड़ोगे ना, दिन हो या रात पढ़ाई करोगे, डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, तो इन सब में उस वक्त तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, क्योंकि तुमने सभी को ब्लॉक कर रखा है, सभी के नजरों से गायब हो चुके हो। कोई तुम्हें अब भटकाने वाला नहीं होगा, नजर लगाने वाला नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी भी यही मानते हैं कि जो शख्स दुनिया की नजरों में ज्यादा होता है ना, वो कभी कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ जो अपनी तैयारी की कहानियां अकेले लिखता है, ना किसी की परवाह करता है और ना किसी को दखल देता है, एक दिन यही जमाना उसे सलाम करता है। तुम्हें तय करना है दुनिया की नजरों में खटकने वाला बनना है या कुछ महीनों सालों के लिए गायब होकर फिर चमकने वाला बनना है। सबने देखे है वो दिन जो आज अपनी कामयाबी और शोहरत के शिखर पर है, उन सब ने वो दिन देखे है जो तुम आज देख रहे हो। जब जिंदगी मुश्किलें फेंके तुम्हारी तरफ, तो समझ जाना बहुत लंबी छलांग लगने वाली है। बुरा समय अगर एक इंसान की जिंदगी में ना आता, तो एक इंसान कभी ये पहचान नहीं पाता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। बुरा वक्त अगर ना होता, तो अपने में छिपे पराए और पराए में छिपे अपने कभी नजर नहीं आते। दुनिया बहुत बड़ी है और बुरी भी है, कौन तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहेगा, कुछ अच्छा करते देखना चाहेगा? कोई आकर तुम्हारे संसार में आग लगाए, ये बेहतर होगा। जब तक तुम उन लोगों की पहुंच से बहुत ऊंचे ना चले जाओ ना, तब तक गायब हो जाओ। आगे बढ़ जाओ और कुछ अच्छा कर जाओ। एक दिन भी क्यों बर्बाद करते हो? क्या उसकी यादों में खुद को खा करते हो? शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला, शुक्र मनाओ, कुछ साल पसीने बहाओ और फिर पूरी दुनिया कर लो मुट्ठी में। दूर हो जाओ उन सब फालतू लोगों से, उस बस्ती से, उस दुनिया से, आलस के बहानों से, तानों से, निकल जाओ उस दुनिया से। शुरुआत करो अपनी कमियों पर काम करो, एक बड़ा नाम करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, मेहनत को कुर्बान करो। दिन की शुरुआत फोन चेक करने से नहीं, भगवान को याद करने और दिन की शानदार शुरुआत करने से करो। खाली समय में दोस्तों के संग नहीं, अकेले में समय बिताओ। खुद को जानने का इससे बेहतर मौका दूसरा नहीं मिलेगा। जब जब संघर्ष का समय आएगा, तब तक गुमनामी में एक विशाल लहर आएगा। जो तुम सोचते हो वो सब पालोगे। जिस दिन कमजोरियों पर काम करने लग जाओगे, अच्छे और बुरे को पहचानने में लग जाओगे, सबसे ऊपर खुद के जज्बातों को रखना सीख जाओगे, समय गंवाने में नहीं कमाने में लगाना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारे माथे की लकीर चमक उठेगी, कुछ करने की ललक उठेगी, तब खुद खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा, बिन मांगे तुम्हें बहुत कुछ देगा। बस जितना कहा है उतना किया करो। अपने आप को अगर बादशाह के रूप में देखना चाहते हो, तो खुद को आज बंद कर गुलाम की तरह मेहनत करना शुरू कर। वीडियो बेशक बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।